अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सन पढ़ा कि सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम वाटर से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं अपने जनरेटर्स को रन करने के लिए, और इसके अलावा हम न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में, जो इस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है, उसमें मैं हमने पढ़ना है कि जो हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं या इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने बनानी होती है, उससे हम लोगों को उस इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द जनरेशन थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो पावर होती है या वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है या वो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है जो हम वाटर के थ्रू करते हैं, कि वाटर जो है वो आके जो है टकराता है हमारे जनरेटर्स के साथ, जनरेटर जब रन अप करते हैं तो वो आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है, बहुत मतलब कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होती या कोई हम लोगों को मसाइल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर तो एक नेचुरल सोर्स है ना। लेकिन होता ये है कि वाटर को हम लोग को स्टोर करने के लिए हम लोगों को बनाने पड़ते हैं डैम्स, और वो डैम बनाना ऑब्वियसली बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। और इसके अलावा जो है वो डैम अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर भी लेते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को हमारे जो टोटल वाटर होता है हमारे मुल्क में, हम लोगों को वो वाटर सारे का सारा जो है उस डैम में स्टोर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, कि उसके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं वहाँ पे जो कल्टीवेशन हो रही होती है, जो फसल उगनी होती है, उनको इतना पानी नहीं पहुँच रहा होता क्योंकि सारा का सारा पानी तो डैम में स्टोर हो गया है। तो उनको जो है सही तरह से कल्टीवेशन नहीं होती। इसके अलावा वहाँ के जो लोग रहते हैं, अब वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं है तो वो लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, पिएंगे क्या, कौन सा पानी पिएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर लोग भी नहीं रहे उस जगह पे, जो है ना लोग जो है ना वहाँ से हिजरत करके किसी और एरिया में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है थ्रू हार्ड। लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि पोल्यूशन नहीं होती है, इसके अलावा वाटर जो है उस हम लोग को इतना एक्सपेंसिव नहीं है पड़ता, सिर्फ डैम्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है कि वो जो एरियाज़ हैं वो अनकल्टिवेटेड रह जाते हैं, और लोगों को भी वहाँ के जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारे पास थ्रू थर्मल पावर। अब हम लोगों को पता है कि जब हम थर्मल पावर हासिल करते हैं तो हम लोग जलाते हैं कोयला वगैरह को, इसके अलावा हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को। तो हम लोगों को पता है, अब हम पेट्रोल वगैरह या नेचुरल गैस या कोल एक दफ़ा यूज़ कर लें, कोयला हम एक दफ़ा यूज़ कर लें, पेट्रोल तो हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ये एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है और नॉन रीन्यूएबल है। नॉन रीन्यूएबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी दिए हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज़ कर लेंगे तो हमारी व्हीकल्स कैसे रन करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे रन करेंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कमी हो जाती है इन कोयले वगैरह की, पेट्रोल की कमी हो जाती है, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, महंगाई हो जाती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है जो हम लोगों को थर्मल पावर से जो है हासिल होती है। फर्स्ट तो ये होगी ना कि हमारे पास जो है इसकी कमी हो जाती है इन चीज़ों की। सेकेंड ये भी हो सकता है कि जब हम इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, धुआं बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस धुएँ में जो है हार्मफुल केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, और वो हार्मफुल केमिकल्स जब हम लोग अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो हम लोगों को सांस की बीमारियाँ होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एक नुकसान है थर्मल पावर से एनर्जी हासिल करने का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में बेसिकली क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं उसको तोड़ते हैं। जब वो तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि अगर जिस एरिया में कि अगर ये वाली रेडिएशन किसी इंसान की बॉडी में एंटर हो जाए ना, तो इंसान नहीं बचता, वो मर जाता है,
कंफर्म मर जाता है, वो बचते हैं, बचने के उसके चांसेस हैं ही नहीं। तो एक तो वहाँ की जो लेबर है जो वहाँ पर काम कर रही है उसको बहुत ज़्यादा उसके उनकी जानी नुकसानात के खदशात होते हैं, और इसके अलावा जिस एरिया में जो मतलब कि एक रूम है उसके अंदर जो है हम लोग ये न्यूक्लियर को तोड़ रहे हैं, उससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं, अगर ऐसा हो कि वो उस रूम में कहीं लीकेज वगैरह हो जाए कि वहाँ पे कोई रेडिएशन जो है बाहर निकल रही हैं, तो उसकी वजह से जो होगा इर्द गिर्द के जो माहौल होगा वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा जब हम इस न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी हासिल करते हैं तो ऑब्वियसली लास्ट में हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, जो वह वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो हमारे तो किसी काम का नहीं होता लेकिन वो रेडिएशन उस वक्त भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इवन कि अगर हम उसको ज़मीन के अंदर भी डुबा दें ना, मतलब कि उसको बिल्कुल बरी कर दें ज़मीन के अंदर, तब भी वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसकी वजह से हमारी सॉइल ख़राब होती है, इंसानों को नुकसान होता है, हमारे प्लांट्स को नुकसान होता है। ये थे हमारे पास नुकसान न्यूक्लियर एनर्जी के। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी मतलब कि जो सन से हम हासिल करते हैं, सुनने में तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि इससे हम लोगों को कोई ना कोई नुकसान होता होगा, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होती है, हम लोगों को बहुत सस्ता पड़ता है ये। लेकिन इस सोलर एनर्जी पे हम लोग यूज़ करते हैं सोलर पैनल्स और बैटरीज। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं, मतलब कि सन से जो एनर्जी आ रही होती है उसको रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, और जो बैटरीज हैं वो सोलर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। अब ये सोलर पैनल जो सोलर बैटरीज जो होती हैं इतनी सस्ती नहीं होती, बहुत महंगी पड़ती हैं हम लोगों को। बस ये एक ड्रॉबैक हम कह सकते हैं, नुकसान नहीं है, ड्रॉबैक हम कह सकते हैं कि अगर हम सोलर एनर्जी से हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग को इनिशियली तौर पर कि एक दफ़ा अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो इनिशियली तौर पर हमें महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में हम लोगों को बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पोल्यूशन फ्री है, बिजली बिल नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी वो सोर्स है जिसे हम लोग हवा को यूज़ करके जो है एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। इससे भी हम लोग को कोई नुकसान नहीं होता, इसका ड्रॉबैक है बस एक कि हम लोगों ने जिस एरिया में विंड पाइप्स बनाने होते हैं वो एरिया खाली होना चाहिए, वहाँ लोग नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि जो है ये विंड पाइप्स हैं बहुत ज़्यादा, एक तो जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं एंड सेकेंडली जो है इनके जब ये रन अप करते हैं, जब घूमते हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ऊँची आवाज़ बनती है जिससे इंसान के कान जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस ये इसका एक ड्रॉबैक है विंड एनर्जी का। इसके अलावा ये पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है, लेकिन विंड पाइप्स को जो बनाने के लिए कॉस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी भी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम लोग को बहुत ही ओपन एरिया चाहिए होता है और उस एरिया में ना ही लोग रह सकते हैं, ना हम कोई इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं और ना ही हम लोग कोई प्लांटेशन या कल्टिवेशन वगैरह कर सकते हैं। ये थे हमारे पास नुक्स प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि डिफरेंट सोर्सेज से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें तो हम लोगों को क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।